पर्यावरण के साथ मानव का संबंध है अटूट। भारत जैसी सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल एवं प्रभावी नेतृत्व में विकास की गति को बिना बाधित किए पर्यावरण के साथ बनाया है अभूतपूर्व संतुलन, जिसमें मुख्य भूमिका निभा रहा है रिड्यूस रीयूज रिफ्यूज रिसाइकल का उनका विजन और नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी। बायोफ्यूल यानी फसलों से निकला ईंधन, फसल के अवशेष से निकला ईंधन, कूड़े कचरे से निकला ईंधन, ये भारत के गांव से लेकर शहर तक के जीवन को बदलने वाला है, बेहतर बनाने वाला। भारत सरकार के तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी से प्रेरणा लेकर उठाए गए हैं कई कदम। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल ईबीपी प्रोग्राम उसी का है एक महत्वपूर्ण हिस्सा, जिसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनियां 10% इथेनॉल के साथ मिश्रित पेट्रोल बेचती हैं। साल 2023 की शुरुआत तक ये 20% हो जाएगा। इथेनॉल के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने के लिए तेल कंपनियों ने इथेनॉल की कमी वाले राज्यों में 7,500 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ 11 अनाज आधारित मेगा इथेनॉल रिफाइनरियों की बनाई है योजना, जिससे प्रतिवर्ष 150 करोड़ लीटर बढ़ जाएगी इथेनॉल डिस्टिलेशन कैपेसिटी। इसके साथ साथ ऑयल पीएसयू 8,000 करोड़ रुपए के निवेश से कृषि अपशिष्ट आधारित सेकेंड जेनरेशन 2G इथेनॉल बायो रिफाइनरियां कर रही हैं स्थापित। यही नहीं, इंडियन ऑयल हरियाणा के पानीपत में इथेनॉल का थर्ड जेनरेशन 3G रिफाइनरी कर रहा है स्थापित। इसके अलावा भारत ने गैस आधारित अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने की दिशा में सतत सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन जैसे उठाए हैं क्रांतिकारी कदम, जिसमें मवेशियों के गोबर, कृषि अवशेष, खाद्य और सब्जी अपशिष्ट, कचरे आदि का उपयोग करके होगा CBG कंप्रेस्ड बायोगैस जैसे स्वच्छ और हरित ईंधन का सृजन। इस कार्यक्रम के तहत 2024 तक 5,000 CBG संयंत्र स्थापित कर प्रतिवर्ष 15 MMT CBG उत्पादन का रखा गया है लक्ष्य। डीजल में बायोडीजल का मिश्रण भी पर्यावरण को स्वच्छ बनाने की दिशा में है महत्वपूर्ण कदम। तभी तो तेल कंपनियों ने देश भर में लगभग 5,500 रिटेल आउटलेट्स के माध्यम से इसकी बिक्री शुरू कर दी है। इसके साथ ही शुद्ध इथेनॉल E100 वाहनों के ईंधन के रूप में पायलट प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। कुल मिलाकर इन परियोजनाओं से कच्चे तेल की खरीद पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा की होगी बचत, रोजगार का होगा सृजन, किसानों की आय में होगी वृद्धि और पर्यावरण होगा स्वच्छ। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं लोकार्पण 2020-25 के लिए भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग के रोड मैप पर एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट का, साथ ही करेंगे शुभारंभ E100 पायलट परियोजनाओं का।